हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में नशे के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ठियोग पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अफीम तस्करी के सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये सरगना नेपाल मूल का निवासी है। आरोपी शिमला के नारकंडा में रहकर तस्करी को अंजाम दे रहा था। इसकी पहचान रवि गिरी उम्र 41 के तौर पर हुई है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि अभियुक्त के बैंक खातों से पिछले करीब 2 साल से 3.40 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ है। आरोपी का शिमला में अपना कारोबार था। अपने कारोबार की आड़ में वो अफीम की तस्करी को भी अंजाम दे रहा था। एसपी शिमला संजीव गांधी क्या बोले, सुनिए विस्तार से। और कुछ समय पहले हमने ठियोग थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिससे 1.5 किलो के करीब अफीम जो थी वो मात्रा सीज की थी। उसके बाद हमने बैकवर्ड लिंकेज ब्लॉक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ साक्ष्य ऐसे प्रकट हुए जिसमें कि एक व्यक्ति जो किंग पिन माना जा सकता है, जो काफ़ी समय से ऐसा लगता है कि ड्रग्स की एक्टिविटी में संलिप्त रहा है हमारे ठियोग और कुमारसैन और नारकंडा एरिया में, जिसका नाम रवि गिरी है। बेसिकली ये नेपाली मूल का व्यक्ति है और काफ़ी समय से यहाँ पर एक्टिव है। अभी जो मुख्य बात हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है कि इसका पिछले 2-3 साल में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन्स इसके बैंक अकाउंट से हुई है। उसी बात की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इस अमाउंट में ड्रग मनी कितनी है और क्या क्या कार्रवाइयों में संलिप्त है। इस व्यक्ति को हमारा जो ठियोग उपमंडल है, उसके उपमंडल पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी जसवंत और सब इंस्पेक्टर अंकुश की टीम और साथ में हमारे बहुत सारे कांस्टेबल, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इस इन्वेस्टिगेशन को थ्रू करने में, और ये अच्छा ब्रेक थ्रू है पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस प्रकार के और भी ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में जो लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, और ऐसे हर व्यक्ति जो ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में अपनी प्रॉस्पेरिटी ढूंढ रहा है उनको पकड़ेंगे, और जो हमारे सामने चैलेंज है जिसको हम मिटिगेट करने के लिए पूरा भरसक 100% कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी और ट्रक की चपेट में आने वाला कोई भी व्यक्ति उसको हम बचा सके। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।